हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत राजकेतन। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एनआरके। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने किसी को मैसेज किया और बाद में आप उसे डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में हमें सिर्फ एक घंटे का ही टाइम मिलता है। एक घंटे के अंदर ही हम उसे डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं, बाद में हम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मॉडिफाइड व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आपको एक दिन मिलता होगा। तो अगर आप किसी व्हाट्सएप मैसेज को एक दिन, एक वीक या एक मंथ के बाद डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मैं किस व्हाट्सएप मैसेज को डिलीट करूँगा। तो मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हम चलते हैं किसी पुराने मैसेज पे। तो मैं सबसे ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं ये 12 मई का मैसेज। मैंने 12 मई को 6:44 पे ये मैसेज किया था। तो अगर आप इसे अभी डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं है। तो इसे डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस व्हाट्सएप को क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको अपने नेट या वाईफाई को बंद कर लेना है। और नेट बंद करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है इस ऐप के ऐप इन्फो में और ऐप इन्फो में जाके आपको इसे फोर्स स्टॉप कर देना है। देन फोर्स स्टॉप करने के बाद आपने देखा था वो मैसेज मैंने 12 तारीख को 6:44 पे भेजा था। तो मुझे अपने टाइम को चेंज कर लेना है अपने फ़ोन को। तो हमें जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है डेट एंड टाइम में और हमें वहाँ जाके अपनी डिवाइस के टाइम को चेंज कर देना है। तो वो था 12 मई को। तो 12 मई को मैं पहले डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 12 मई का। तो मैंने 6:44 पे भेजा था तो मैं यहाँ से 6:50 कर देता हूँ। आप 2-4 आराम से भरा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ 6:50 मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर आपको टाइम यहाँ पे सेट करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप करना है ओपन। और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जाना है आपको उस मैसेज के पास। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 12 मई से यहाँ टुडे हो चुका है। तो फिर अब मैं इस मैसेज को अगर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ से आराम से डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, बस आपको अपने नेट को ऑन कर देना है और आप देख सकते हैं ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। तो कभी कभी आप यहां से डिलीट फॉर एवरीवन करेंगे और आप जैसे ही अपने नेट को ऑन करेंगे तो शायद ये मैसेज फेल हो जाए। तो अगर फेल हो गया तो आपको यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे रिसेंट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहां से रिसेंट करना है और अब आप देख सकते हैं ये मैसेज डिलीट हो चुका है। तो आप अगर उस फ़ोन में चेक करेंगे तो ये मैसेज डिलीट हो चुका रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।